हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आफ्टर एनालाइजिंग द PYQs, द रीसेंट एग्जाम, आई एम गिविंग यू द सिलेबस। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगी हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट मिल जाएगी कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। एंड ये PYQs और जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर बेस्ड होगा। टॉपिक्स में से मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, मतलब स्टडी रिसोर्सेज आपके क्या रहेंगे। एंड नॉट ओनली बुक्स और स्टडी रिसोर्सेज डिस्कस होंगी, बल्कि ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए, हर एक टॉपिक को आपको कवर कैसे करना है, तो ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ डू मेक नोट्स, बिकॉज अगर आप नोट्स बना लोगे ना इस वीडियो के, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको करना क्या है। एंड सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर अगर आपको खुद से PYQs एनालाइसिस करना पड़ जाए या गाइडलाइंस एनालाइज करनी पड़ जाए, तो पता नहीं चलता कि कैसा क्या है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर का क्या रहे रहता है, ठीक है ना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो कैसे हमको प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी मैं डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अपडेट्स चाहिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MHCET, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम हर ट्यूजडे, फ्राइडे और संडे को न्यू वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपकी ये वीडियोज बहुत हेल्प करेंगी। सो डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड डू टेल दैट यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड। आपको कैसे ऐसा लगा वीडियो देखकर कमेंट्स में जरूर मेरे साथ कमेंट्स में बात करना, मैं भी आपके साथ बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @IAMLOGRI। चलिए, एग्ज़ाम कब होता है? देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है जल्दी होने लग गया है, ये मार्च के अंदर ही हो जाता है। यस, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। डेट्स जो हैं दिसंबर जनवरी में आ जाती हैं, फॉर्म्स भी आपके जान फेब में निकल जाते हैं जनवरी के अराउंड। एंड यस, आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने लग गया है अब। ओके, एक ही बार होता है एग्ज़ाम। पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम अगर हम डिस्कस करें, तो पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश और मराठी में ये पेपर होता है। हम भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होने वाला होता है अराउंड द एग्जाम, आपको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है logri.in पर अवेलेबल होते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करोगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कैसे क्या करना है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 30 questions आते हैं 30 marks के। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में से 40 questions आते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50। टोटल पेपर आपका 150 marks का होता है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, ये पेपर ईजी होता है, डिफिकल्ट होता है? द लेवल ऑफ एग्जाम इज वेरी वेरी ईजी, और तभी कॉम्पिटिशन भी हार्ड है, ठीक है ना। तो आपको हर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। आप ये नहीं कह सकते कि इसके तो इतने क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ दो। अगर आपको GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए, विच इज एक्चुअली द बेस्ट लॉ स्कूल, अगर आपको ILS पुणे में एडमिशन चाहिए, तो आपके लिए हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज द डिग्री, द लेवल ऑफ एग्जाम इज वेरी ईजी, तो कॉम्पिटिशन जो है वो टफ हो जाता है, राइट? ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलेंगे, लीगल एप्टीट्यूड आपका जो है वो कितने मार्क्स का है? 30 marks का है। और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। यस, आप वैसे भी सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर करने की कोशिश करिए, एक तो ये बड़ा है, और अगर आपको ये समझ में आता है, बाकी सारे टॉपिक्स थोड़े ईजी हो जाते हैं। करंट अफेयर समझना थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टर्म्स होंगी ना, वो बहुत आराम से समझ पाओगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप इन्वेस्ट करोगे यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको बुक में कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये बुक सही है या नहीं, logri.com/lawbooks करके मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से आप टैली कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, और थ्योरी को अंडरलाइन करोगे, मार्क करोगे, पॉइंटर्स वहीं पे नोट्स बना लोगे, ताकि रिवीजन आराम से हो सके, और MCQs भी वहाँ पे सॉल्व करोगे। दिस इज़ मैंडेटरी, क्योंकि सेम MCQs आने के बहुत चांसेस हैं। कुछ पॉइंटर्स होंगे जो आपके थ्योरी में नहीं कवर्ड होंगे, MCQs में कवर्ड होंगे। क्या आप राइट चीज़ें लर्न कर रहे हो या नहीं, ये भी आपको पता चलेगा। ऑल्सो आप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स बाय कर सकते हो, लॉगरी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। नाउ व्हाट इज़
मैंडेटरी बहुत ज़रूरी करना ही करना है, वो है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिवर्सल्स में से पढ़ो, ठीक है ना। ये जो मेरा कोर्स है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको चाहिए कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँ, देन यू कैन गो फॉर दिस। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ। ये कैसे प्रिपेयर करेंगे ये मैं साइड में कहीं लिखूंगी। देखिए, इसके लिए आप LANLR बाय विली बाय करेंगे, ठीक है ना। एंड अगर आप एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 to 2 months पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो इंश्योर करें कि जो रीसेंट वीडियो है वो आप जरूर देखें, वहां पे मैंने शेयर किया होगा। देखिए, अगर आपके पास, ठीक है ना, एग्जाम से अभी आप 3 months दूर हो, 3 months भी दूर हो, ठीक है ना, मिनिमम आपके पास 3 months हैं, ठीक है ना, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक। 3 months हैं या 3 months प्लस हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब 3 months प्लस हो तो बढ़िया है। आप इस बुक में से थ्योरी पढ़ोगे और प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सॉल्व करोगे। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया है ना, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप ये कवर कर सकते हो कि कैसे करना है सॉल्व। तो ये LANLR बाय विली में से होगा अगर लेस दैन 3 months हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर मोर देन, इसको ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, अगर मोर देन 3 months हैं तो आप LANLR बाय विली के लिए जाइए, लेस देन 3 months हैं तो आप यूनिवर्सल्स में से ही ये टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देन आप LANLR बाय विली में से जा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे कोर्सेज आ चुके हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के, आप तो उसके लिए भी जा सकते हैं, वो आने वाले थे ये वीडियो के बाद। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आप loggery.com पे जाओगे, वहां पर आपको PDFs मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDFs हैं, वो डाउनलोड करके वो आपको याद करने हैं। मैंने 2 videos भी करी हुई है यूट्यूब पे, वहां पे एक्सप्लेन की हुई है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और एक वीडियो करी हुई है कि कैसे याद करने, ये सारी अगर देख लोगे तो बहुत सही रहेगा। लीगल GK मतलब टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से क्वेश्चंस, MCQ टाइप के क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड होते हैं वो कहाँ से करने हैं, वो आपको करने हैं बहुत ध्यान से। यूनिवर्सल में से एक टॉपिक है, दैट इज लीगल अवेयरनेस। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल्स की बुक खरीदना मैंडेटरी है। यस, आप जाएंगे बुक स्टोर पे, बुक स्टोर वाला अरिहंत की बुक देगा, प्लीज़ कंसिडर बाइंग यूनिवर्सल्स, ठीक है। लीगल अवेयरनेस, MCQs जो है वो आपको कवर करने हैं, 2 topics हैं वहाँ पे, वो कर लोगे। अगर ये आपने कवर कर लिया तो आपका लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर हो गया। बाकी आप मॉक टेस्ट खरीद लेना लॉगरी के, वहां पर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भी चीजें होंगी वो वहां पे कवर हो जाएंगे आपकी। वो मैंने मॉक टेस्ट ही ऐसे बनाए हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से, वो आपके वहां पे कवर हो जाए। तो मॉक टेस्ट खरीद लेना, ठीक है। उसके बाद है GK, जनरल नॉलेज जो है आपकी वो 40 मार्क्स ही है, और GK को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। GK के 2 parts हैं, एक तो आपका है स्टैटिक GK। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि स्टैटिक GK को कैसे प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। वही यूनिवर्सल्स की बुक जहाँ से आपने लीगल का पार्ट बहुत बहुत पढ़ा होगा, जहाँ से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करी है, वहाँ से ही आपको इसके MCQs अच्छे से करने हैं। कैसे करने हैं? क्वेश्चन रीड करोगे, अगर आंसर पता है, रीजन पता है, बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट पे मूव हो जाओगे। क्वेश्चन पढ़ा, रीजन नहीं पता, आंसर नहीं पता, तो गूगल पे जाके सर्च करोगे और अपने ही नोट्स बना लोगे। इन MCQs के अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अगर टाइम है तो अच्छे से नोट्स बनाइए नोटबुक में, ठीक है। एंड आप यहाँ से ही यूनिवर्सल्स की ही थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके MCQs और थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है, देन आप कुछ टॉपिक्स ल्यूसेंस से भी उठा करके कर सकते हैं। बट ल्यूसेंस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर टाइम है तभी करेंगे, नहीं तो आप यूनिवर्सल्स के ही क्वेश्चंस अच्छे से रट्टा मार लेंगे, ठीक है जी। आप जैसे टॉपिक्स एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये आप ल्यूसेंस में से पढ़ना कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्टैटिक जी की मैं आपको पढ़ा दूं, देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल कंसिडर टेकिंग अप दिस टॉपिक, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको कहाँ से करने हैं? देखो यार, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ, अगर आप मानो तो एजुगिरी को फॉलो करने लग जाओ। एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री यहाँ पर करंट अफेयर्स आपकी कवर होने वाली है, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करोगे, देखिए 1 year की करंट अफेयर्स टेक्निकली आपको फॉलो करनी होती है, तो मार्च में अगर आपको एग्जाम है तो मार्च टू मतलब अप्रैल से तो तुमको लग जाना चाहिए कवर करना, ठीक है ना। तो अप्रैल से एटलीस्ट लग जाओ एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स भी बनवाती हूँ मैं आपको, आपको नोट्स दिखा देती हूँ, यहाँ पे पड़े हैं मेरे पास नोट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे नोट्स बनेंगे आपके, ऐसे बिल्कुल ऐसे नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है। दीज काइंड ऑफ नोट्स यू विल गेट अगर आप क्लास अटेंड करते हो।
ठीक है ना, तो एजुगिरी वाई टी क्लास लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वाई टी की क्लास लगा सको तो आप लॉगरी डॉट इन के वन शॉट्स खरीद सकते हो। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं 7 to 8 आवर्स, आप इनको देखोगे वन फुल मंथ कवर हो जाएगा। और इसमें डिजी नोट्स भी बनते हैं, वहाँ पर आप नोट्स खुद बना रहे हो, यहाँ पर आप नोट्स मतलब बने बनाए आपको मिल रहे हैं। एजुगिरी अगर यूट्यूब चैनल से अगर आप देख रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो कि MCQs बाय कर लो एक्स्ट्रा लॉगरी डॉट इन के, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो हर कोई बाय करेगा, MCQs everybody is going to buy। थ्योरी आप देखोगे कि फ्री में आप करना चाहते हो या पेड में लगाना चाहते हो, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हो। ये मैं आपको कहूंगी नहीं कि आप जाओ, बट क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स बताऊं जो मेरे से रिलेटेड ना हो तो मैंने बता दिया, बट आई वोंट टेल यू टू गो फॉर इट, बिकॉज यहां पर जो न्यूज आती है ना, आपकी स्टैटिक जीके भी जो आती है वो द हिंदू बेस्ड मतलब करंट में से निकाल लेते हैं स्टैटिक जीके। तो इसलिए आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप MCQs और थ्योरी जो है इसे फॉलो करें। राइट, ये लॉगरी डॉट इन पे मिल जाएगा, एजुगिरी पर थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रही हूँ। दैट इज हाउ यू कैन कवर। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, 30 मार्क्स की लॉजिकल है, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग पजल टेस्ट सिलॉजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्या कवर करना है देखिए, जो मैं मार्क रेड में कर रही हूँ, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी को 3 से 4 दिन देंगे, समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑड वर्ड्स जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, 3 से 4 दिन देंगे, समझेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, या तो आप अरिहंत की बुक में से कर सकते हैं या फिर RS अग्रवाल की बुक में से कर सकते हैं। एनी वन बुक, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, इन दोनों में से कोई भी बुक। राइट, और जो आपके ग्रीन वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि सिलॉजिज्म्स, कंक्लूजन जो है, इसके लिए येस यू हैव टू बाय MK पांडे। MK पांडे में इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। राइट, लॉजिकल रीजनिंग को सीरियसली करना, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, मजा आने लग जाता है एक पॉइंट पे। उसके बाद वोकैबुलरी, साइनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजी हम कर ही चुके हैं, एनालॉजी को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर यार अगर सच में अच्छी वाली तैयारी करनी है ना, तो साइनोनिम्स, ठीक है ना, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स, हर रोज एटलीस्ट 10 each याद करने लग जाओ अगर बहुत टाइम है, और 20 each अगर कम है। ठीक है, ये आप SP बख्शी में से कवर कर सकते हो ये वाले टॉपिक्स, या फिर कोई भी एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आप ले सकते हो जिसमें टॉपिक्स हो। उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले करो प्रेपोजिशंस, बहुत ही ईजी है। ठीक है ना, फिर करो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस करने के बाद स्पॉटिंग एरर्स करो, कॉमन एरर्स करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स करो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस आप कर सकते हो। दिस इज वॉट एन SP बख्शी इज अ बुक दैट आई रेकमेंड। वैसे आप कोई भी बुक के लिए जा सकते हो। नाउ हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें इस एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए अगर आपके पास, अगेन मैं यही बोलूंगी, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, मतलब यू हैव मोर देन 2 months, ठीक है, या 3 months मैं कहूँगी, अगर 3 months प्लस है आपके पास तो बहुत अच्छा खासा टाइम आपके पास है। ठीक है, मोर देन 3 months में आप अपना टाइम कैसे अलॉट करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपका कोई बैकलॉग तो नहीं है। ठीक है ना, बैकलॉग एज इन कि आपका करंट अफेयर्स का बैकलॉग तो नहीं है। करंट अफेयर्स का बैकलॉग है तो उसको पकड़ के कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए, बैकलॉग के लिए बेस्ट है लॉगरी डॉट इन के वन शॉट्स ले लो। ठीक है, और साथ में रेगुलर हो जाओ एजुगिरी पर। ठीक है ना, अगर आपको होना है, अगर आपको पेड लेक्चर्स ही लेने हैं तो फिर आप वो ले सकते। ठीक है, तो करंट अफेयर सॉर्टेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में नहीं होता है ये, साथ साथ आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर आप हर रोज अराउंड 1 आवर मिनिमम आपको करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा, और अगर बैकलॉग है तो 1 आवर और लगा लो। ठीक है, तो ये आपको देना है 2 आवर्स, एंड बाकी जो है 2 आवर्स और आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाओ, मैं आपको कहूंगी कि लीगल एप्टीट्यूड उठाओ सबसे पहले। एक तो इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले करो, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल एप्टीट्यूड के बाद आप लॉजिक और इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। लॉजिकल या फिर इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा करके कर सकते हो, एंड स्टैटिक जीके भी अच्छे से करना है। मैं कहूंगी सेकंड पे भी स्टैटिक जीके को घुसा सकते हो, और फिर लॉजिक इंग्लिश में से कोई भी एक कर सकते हो। राइट, अगर आपके पास लेस देन 3 months हैं तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देना पड़ेगा टू कवर द सिलेबस। राइट, तो सबसे पहले तो जो रीसेंट वीडियो है, अगर आपको नहीं मिल रही है रीसेंट टाइम टेबल वीडियो जो है, अगर नहीं मिल रही है तो वो मांगो, वो फॉलो करो। एंड इवन अगर मोर देन 3 months पड़े हैं तो रीसेंट टाइम टेबल आपके लिए भी बनाई होगी, मैं टारगेट वीडियोस देती रहती हूँ, वो आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत सही रहेगा, बिकॉज मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ कि हाँ इतने में तो कवर होना चाहिए। दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। डेली दे सकते हो, वीकेंड्स पे अगर आप 10-12 घंटे एक साथ पढ़ सकते हो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए Q&A सेशन होता है, ये हर संडे को होता है। ठीक है ना, अभी तक नहीं हो रहे थे,
थे बट अब रेगुलरली होंगे, संडे को होता है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @iamloggery पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी और वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, एंड मिलेंगे एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। एक बार तो आइए वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर नोट्स बनेंगे आपके, बहुत अच्छे करंट अफेयर आपके प्रिपेयर होंगे। दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। एंड अगर आपको और वीडियोज चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट्स में पिंड होगा। That's it, and do subscribe to the channel for more such videos. Bye, Logarians.